एक सरकार जो बिरसा मुंडा के विचारों की आज बहुमत की सरकार झारखंड में बनने जा रही है, एक बहुत ही विनम्र, सरल, लोकप्रिय, संवेदनशील और समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले, जीने वाले उन लोगों की सरकार बन रही है जिनको हमारे भाई हेमंत सोरेन जी महसूस करते हैं, जीते हैं। आज भी मूलवासी आदिवासियों की पूरी संस्कृति, तहजीब और आदर्श उनमें देखने को मिलता है। गुरुजी शिबू सोरेन जी मेरे लिए हमेशा शुरू से ही पिता के तरह रहे, धर्म पिता की तरह रहे। हम और हेमंत सोरेन जी बड़े भाई छोटे भाई की तरह बिहार के 85 के दशक से एक साथ रहे। हर दुख सुख में हम दोनों आदमी और परिवार गुरुजी के साथ खड़े रहे। मैं आज बधाई देता हूं। वैसे तो मुझे जाना था, कल हेमंत जी का दो दो बार फोन आया कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आप आए, लेकिन आज लगातार नरपतगंज और भरगामा में देश के संविधान और देश की एकता की रक्षा के लिए लगातार देश पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ लोगों की बड़ी रैली है। मैं समझता हूं कि आज मेरी आवश्यकता उन लोगों के लिए है जिसके भीतर डर पैदा किया गया है। नोटबंदी और जीएसटी से भी ज्यादा आम लोग परेशान हैं, लोग कतारों में खड़े हैं। तो मैंने क्षमा मांगा अपने भाई से कि आज मुझे उन लोगों के बीच रहना जरूरी है। आप मुख्यमंत्री की शपथ आज लें और झारखंड के अंतिम व्यक्तियों के जीवन की खूबसूरती और उसके मुस्कुराने का रास्ता प्रशस्त करें। आतंक और उन्माद का जो लूट का जो एक 5 साल की सरकार थी, एक नई बेहतर सरकार दें। समाज आपसे बहुत उम्मीद कर रहा है, पूरा झारखंड का हर जाति धर्म वर्ग के लोग आपसे बहुत उम्मीद कर रहा है। इसीलिए आज मैं उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े पदों पर रहकर मेरे जैसे वर्कर, मेरे जैसे एक छोटे से आदमी जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उन्हें भी उन्होंने याद रखा। या मैं भूल नहीं पाऊंगा, मेरा पूरा का पूरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन हेमंत सोरेन जी के दीर्घायु और उसके अच्छे नेतृत्व की कामना करता है। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार, जय बिरसा मुंडा।